हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल में। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे वीडियो लेकर आए हैं जहां पर लोग साहस से डर का सामना कर रहे हैं। कुछ वीडियो तो ऐसे हैं जो कि आपको हैरानी में डाल देंगे कि दुनिया में ऐसा भी हो सकता है और लोग इतने बहादुर भी हो सकते हैं। इन वीडियो में हम कुछ भूत भी देखेंगे और कुछ ऐसी घटनाएँ भी देखेंगे जहाँ पर इंसान ने भूत से भी ज़्यादा खतरनाक भूमिका निभाई है। तो चलिए फ्रेंड, ना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इस वीडियो को अपलोड किया है रियल घोस्ट ने यूट्यूब पर और यह वीडियो जापान का है। इस वीडियो में एक बंदा किसी सुनसान जगह पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। मोबाइल के कैमरे की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, वीडियो बहुत ज़्यादा ख़राब और बहुत ज़्यादा पुराना नज़र आता है। जो बंदा ये रिकॉर्डिंग कर रहा है उसका हाथ काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है, लगता है जैसे कि वह बंदा वीडियो रिकॉर्ड करने में अनाड़ी हो। वह अपने कैमरे को अलग अलग जगह पर मूव करता है तो उसे एक जगह पर पेड़ के पास एक औरत खड़ी नज़र आती है। आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर कोई भी नहीं है, पर कुछ देर में वह औरत पेड़ के पास खड़ी हुई नज़र आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावना मंजर है। इस वीडियो को देखने में ऐसा लगता है कि जब कैमरा उस बंदे का इस पेड़ की तरफ गया तब उस बंदे का ध्यान इस पर बिल्कुल भी नहीं था। जब उसका कैमरा इस पेड़ के पास से गुजरता है तो वह औरत वहां पर खड़ी हुई दिखाई देती है, पर वह बंदा अपने कैमरे को जैसे ही दोबारा उस पेड़ के पास लाता है तो वह औरत वहां से गायब हो चुकी होती है। यहां तक कि वह अपने कैमरे को ऊपर नीचे करके भी देखता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट। यह वीडियो अपलोड किया है KTUV फॉक्स 2 ने फेसबुक पर। वह बताते हैं कि उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसके कारण वह कई रातों तक सो नहीं पाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक आदमी, शायद कोई चोर भी हो सकता है, वह रात के 2 बजे के आसपास उनके घर के बाहर आके खड़ा हो जाता है। घर के अंदर घर का ऑनर है, उसकी वाइफ है और उसकी छोटी बेटी है। वह लोग आराम से सो रहे होते हैं। इस बात से बेखबर कि बाहर उनके गेट पे कोई आदमी इतनी रात में आया हुआ है और चोरियां कर रहा है, और यह बंदा जहाँ जहाँ तक इसका हाथ पहुँच सकता है वहाँ के CCTV कैमरा उतार लेता है और उसके बाद उनकी जो कार खड़ी है उस कार को जोर जोर से लात मारता है। और यही नहीं, वह घर के दरवाजे को भी बार बार ठोकता है। इस आवाज़ को सुनने के बाद वह लोग जाग जाते हैं और पुलिस को कॉल कर देते हैं। जब तक पुलिस आती है तब तक वह बंदा वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इस बंदे की हिम्मत की दाद देनी होगी, यह दोबारा से उस घर में आता है और फिर से वही हरकत करता है। जब तक वह बंदे दोबारा से पुलिस को कॉल कर देते हैं और पुलिस वहां पर आ जाती है और इस बंदे को पकड़ लेती है। दोस्तों, अगर आप कभी अकेले अपने घर में सो रहे हैं और ऐसा कोई हादसा अगर आपके साथ होता है तो आप ही सबसे पहले पुलिस को कॉल करें और अपने घर के दरवाजे बिल्कुल भी ना खोलें। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट। इस वीडियो में एक टीम एक हॉन्टेड और एक बहुत बड़ी लोकेशन में इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं और ये सब पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं और जहां पर उनके कैमरा में एक क्रीपी चीज़ कैप्चर भी होती है। आइए फ्रेंड्स, हम भी देखते हैं ये वीडियो। जब ये रिकॉर्डिंग करते हुए अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वॉशरूम के कोने में एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए कोई इंसान खड़ा हुआ है, जिसको देख के ये डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। И мне было страшно, что я упаду. Представьте, если вы с ним упадете с этой кровати. Это будет... Просто он не рупер. Что там? Дани? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, ये कोई रियल भूत था या किसी बंदे ने वाइट कपड़े पहनकर उन्हें डराने की कोशिश की थी। आप जो भी सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट। आप सोच रहे होंगे ये बंदा इतना उदास क्यों है, आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ है जो कि यह इतना उदास है। दरअसल ये बंदा नहीं, ये एक रोबोट है। आप जो भी इसे काम बोलेंगे यह वह सारे काम करेगा। किसी हॉलीवुड मूवी के लिए इस रोबोट को बनाया गया था और इस रोबोट का नाम है ग्रेग। इंजीनियरों ने इस रोबोट पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है
ना जाने इसमें कितनी मोटर्स लगी हैं और बहुत सारी इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी डाली गई हैं, जिसकी वजह से यह बिल्कुल असली इंसान की तरह लगता है। आप फ्रेंड जरा सोच के देखिए, अगर इतने सारे रोबोट इस धरती पे आ जाएं तो लगता है कि इंसानों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये रोबोट ही इंसानों के सारे काम करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम तो आपने सुना ही होगा। कहा जाता है कि वह एक दिन इंसानों पर भारी पड़ जाएगी। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट। यह वीडियो अपलोड किया है स्केल जेली ने रेडिट पर। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक इंसान जैसी आकृति आसमान में उड़ रही है, जिसे वहाँ पर मौजूद कई लोगों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। उसी में से हम एक वीडियो यहाँ पर देख रहे हैं, पर ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये बहुत ही ख़राब कैमरे से शूट की गई है, इसलिए इस वीडियो की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा लो है। पर आगे हम आपको किसी और कैमरे से भी इस वीडियो की रिकॉर्डिंग दिखाएंगे, जहां पर इसे बहुत अच्छे से कैप्चर किया गया है। यहां तक कि वहां के पुलिस वालों ने भी इस आकृति को हवा में उड़ते हुए देखा था और वह भी इस आकृति को देख के बहुत ज़्यादा हैरान थे। ये पुलिस ऑफिसर बताते हैं, रात के 3 बजे जब मैं पेट्रोलिंग कर रहा था, उस वक्त मैंने देखा कि हवा में कोई चीज़ उड़ रही है जो कि इंसान की तरह लग रही है। यह पुलिस वाला बताता है कि यह आकृति देखने के बाद मैंने अपनी गाड़ी का सायरन ऑन कर दिया था, फिर वह आकृति मेरी तरफ आने लगी। उसने पूरी तरह से काले कलर के कपड़े पहने हुए थे, उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी थी और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा चमक रही थी। और उस आकृति को देखने के बाद वह पुलिस वाला बहुत ज़्यादा डर गया था। वो वापस अपनी गाड़ी में बैठे और पीछे की तरफ भागने लगे। वह आकृति उनके बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गई थी। उसके बाद इस पुलिस ऑफिसर ने बैकअप के लिए कॉल किया और उसके बाद वे बेहोश हो गए। उन्हें कुछ भी याद नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ था। हालांकि उनकी टीम सही टाइम पर पहुंच गई और उनको डॉक्टर के पास ले गई। इस पूरे किस्से में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि एक पुलिस वाला भी इस आकृति का शिकार हो गया और पुलिस वाले ने इस आकृति को बिल्कुल अपने पास से देखा। इस पुलिस वाले के अलावा भी बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को हवा में उड़ते हुए देखा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर दे, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। धन्यवाद फ्रेंड्स।